प्रधानमंत्री मोदी ने 100वें मन की बात कार्यक्रम में गोपालपुर वार्ड में आयोजित निकाय चुनाव के प्रभारी व राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद ने भाग लिया। इस दौरान निकाय चुनाव के प्रभारी व राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद ने ध्यानपूर्वक गोपालपुर वार्ड की जनता के साथ पीएम मोदी के मन की बात को सुना, जिसके संबंध में निकाय चुनाव के प्रभारी व राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद ने बताया कि मन की बात लगातार 2014 3 अक्टूबर से चल रहा है। इससे 100 करोड़ की जनता जुड़ चुकी है। मन की बात कार्यक्रम को देश के सभी जनता ने स्वीकारा है। देश में पहला ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो आपके मन की बात को सुनता है और आपसे मन की बात कहता है और जनता उनसे प्रश्न भी करती है और पीएम मोदी उसका उत्तर भी देते हैं। उन्होंने कहा, हमारा देश विभिन्न संस्कृतियों का देश है, इसलिए मोदी से पूरे देश की जनता जुड़ना चाहती है और मन की बात कार्यक्रम से जुड़ भी रही है। इस अवसर पर वार्ड नंबर 19 की भाजपा पार्षद प्रत्याशी ममता निषाद, निवर्तमान पार्षद रामलोर निषाद, पार्षद प्रतिनिधि अरविंद निषाद सहित अन्य लोग मौजूद रहे। है ना, हाथ उठाइए, कितने लोग जानते हैं? वेरी गुड। यही मोदी जी प्रत्येक महीने की 30 तारीख को मन की बात करते हैं, अपने मन की बात करते हैं और आपके मन की भी सुनते हैं। आपको क्या दिक्कत तकलीफें हैं, भारत की सरकार को आपके लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मोदी जी ने हमेशा किया है और आगे भी करेंगे। मोदी जी और योगी जी हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, जहाँ के आप सब रहने वाले हो। बहुत भाग्यशाली हो कि उत्तर प्रदेश के ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो हमेशा, उनका कोई परिवार नहीं है, हमेशा गरीबों के लिए, आपके विकास के लिए जो पैसा सुरक्षित है उसमें कोई डाका न डाल पाए, योगी जी वो काम कर रहे हैं और आपको के विकास को आपके तक पहुंचा रहे हैं। मोदी जी ने गरीबी देखी है, चाय उनके पिताजी बनाते थे और रेल के डिब्बे में वो चाय लेकर जाते थे, गरीब थे कि नहीं थे? आप मानते हो ना, जो चाय केतली में लेके बेचेगा वो कितना गरीब होगा? अब इससे बड़ा कोई गरीब हो सकता है क्या? और जब प्रधानमंत्री बने 14 में, यहाँ सब लोग बैठे हो, जब 14 आपको याद है, 14 में जब वोट करने गए थे कि मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, तो सब लोगों ने कमल का बटन दबाया था क्या? दबाया था ना। इस संबंध में गोरखपुरी से बात करते हुए गोरखपुर निकाय चुनाव के प्रभारी व राज्यसभा सांसद बाबू राम निषाद ने कहा, मन की बात लगातार 2014 3 अक्टूबर से चल रहा है। इससे कम से कम 100 करोड़ जनता जुड़ चुकी है। मन की बात को प्रधानमंत्री के सभी जनता ने स्वीकारा है, सराहा है। आज़ादी के बाद कोई ऐसा पहली बार प्रधानमंत्री आया है जो मन की बात और आपके मन की बात के अनुरूप और आपके सुझाव के अनुरूप सरकार के स्तर पर चलने का काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से बेबाकी से जनता से प्रश्न और उनके उत्तर प्रधानमंत्री जी स्वयं करते हैं और प्रधानमंत्री जी उनके जवाब देते भी हैं। और मन की बात में विभिन्न संस्कृतियों का ये हमारा देश है, वो सब जात धर्म के लोगों ने इस कार्यक्रम को सराहा है। पूरे देश में कई तरीके की भाषाएं, उन भाषाओं पर भी ये हमारा कार्यक्रम बहुत चढ़बढ़ कर सुना जाता है, देखा जाता है। मोदी जी से प्रत्येक आम जनता कनेक्ट होना चाहती है, जुड़ना चाहती है, बात करना चाहती है और उनके टीवी और मीडिया के माध्यम से, उनके संवाद के माध्यम से, उनको पत्राचार के माध्यम से जनता बहुत पूरे देश की जुड़ी हुई है। पहली बार ये सभा मन की बात का कार्यक्रम है। सवा कार्यक्रम में निश्चित रूप से देशव्यापी इस कार्यक्रम की बड़ी चर्चा हो रही है, बड़ी सराहना हो रही है। इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न तरीके के लोगों से रूबरू होना, ये आम जनमानस के बीच में एक अच्छा संदेश है, अच्छा मैसेज है।